येस yes, बेटा हम स्टोरी रीड कर रहे थे व्हाट एपन टू द रिपटाइल्स तो फ्रॉम योर बुक ऑफ एक्ट विद द सन तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमने अब रीड करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यू वीक्स पास एंड द एनिमल्स ऑफ ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फिट अप नो रैड्स द रैट्स नाउ दैट There were no snakes to eat them. The rats had taken over the forest, and they were having a wonderful time. They were everywhere on the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. They ate up the eggs of the lizards and crocodiles there were There would be no babies that year. makara's own nest of eggs had been chewed up tokuche cross or jo animals थक गए अब बहुत ज्यादा टाइट फील करने लगे क्योंकि उन्हें अब जो रेड्स थे अब उन्हें खाने के लिए एनिमल्स तो थे नहीं कोई भी ना ही स्नेक्स थे तो अब वो बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए डेयरिंग हो गए एंड दे वर हैविंग वंडरफुल टाइम उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिला एंजॉय करने के लिए वे हर जगह कूदते ट्रीज पर ग्रास पर बुशेस पर ग्राउंड पर वो हर जगह ही दिखाई देते और उन्होंने लीजर्ड और क्रोकोडाइल्स के भी एग्स खा लिए थे अब कोई भी एनिमल uh, नहीं बचा था को, कोई भी बेबीज उस दिन उस टाइम नहीं उस साल नहीं हुआ तो मकारा जो मकारा के जो एग्स का नेक्स्ट था वो भी इवन चूहों ने कुतर लिया था चूट कर लिया था चबा लिया था देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया तो अब मकारा को जो था उसके पास आइडिया आया उसको एक तो ही कॉल्ड मीटिंग ऑफ द क्रोकोडल्स एंड सैंड वु इट बी वंडरफुल क्रोकोडाइल्स कूड हैव द होल जंगल फॉर आर सेल्स तो क्रोकोडाइल uh, ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें क्रोकोडाइल्स को बोला मकारा ने मीटिंग बुलाई तो उसने सभी क्रोकोडाइल्स को बोला की अच्छा होगा अगर ये पूरा, पूरा जंगल हम इस पर अपना हक, अधिकार जमा ले नो वन बट अज और कोई नहीं सिर्फ हम ही हम होंगे इस जंगल में तो दीज लीज नाउ जस्ट लू कैट दैम दे हैव देंज हैबिट्स एंड सम ऑफ देम इवन स्टेंज कलर नाउ कैन वी ट्रस्ट सम वन हुन वन मिनट रेड द नेक्स्ट लेट्स गेट रीड ऑफ दम तो कारा स्टार्ट कर रहा है अपनी मीटिंग में बोल रहा है कि देखिए इन लीजर्स को देखिए इनकी कितनी स्ट्रेंज हैबिट्स है और अचा, अचानक से ही कई बार तो कलर चेंज कर लेती हैं। कभी हम इन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो एक मिनट में ग्रीन है और दूसरे ही मिनट वो रेड हो जाती हैं लेट्स गेट रिड ऑफ दिन इनसे छुटकारा पाना चाहिए बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली रियर ऑफ मकारा सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड मकारा प्लीज द लेफ्ट द फॉरेस्ट विद देयर बेबीज ऑन देअर बैग्स अब क्रोकोड जो थे वो बहुत तो कुछ सकते नहीं थे इसलिए वो डरने भी लगे मकारा से कि कहीं भी हमार को भी ना निकाल दे तो इसलिए वो क्लैपिंग करने लगे और बहुत खुश हो गए तो मकारा इस बात से बहुत खुश हुआ कि सभी मेरी बात को मान रहे हैं तो लिजर्ड्स भी जंगल को छोड़कर चले गए और कुछ ने तो अपने जो बेबीज थे उनके वो अपने बैग पर उठा लिए बट नाउ वेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुलर द क्रोकोडती अब सभी जब पंबूपति से चले गए थे तो ऑल का अजीब अजीब घटनाएं वहां होने लगी टू बिगिन विद द रेड्सर बाय द डे और सबसे पहले तो क्या हुआ जो रेड्स थे वो बोल्डर हो गये थी दे बिकेम सो फेयरलेस डेट दे जम्प एंड टर्नर लाट समर साल्ट ऑन द क्रोकोडल्स एंड देयर वर टू मेनी फ्रॉग्स टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वर नो देयर वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स तो अब वो बहुत ज्यादा इतने ज्यादा बोल्ड हो गए इतने ज्यादा फियरलेस हो गए कि वो क्रोकोडाइल्स की बैक पर भी कूदने लगे और इतने ज्यादा फ्रॉग्स हो गए और लार्जर हो गए बड़े बड़े हो गए कि उन्हें खाने वाला तो कोई नहीं था बट दीज यूज फ्रॉग्स बिगिन टू ईट बेबी क्रोकोडल्स और ये बड़े बड़े frogs ने क्या करना शुरू कर दिया चोट crocodiles को खाना शुरू कर दिया एंड द इंसेक्ट नाउर दीजर्स देवर मिलियन ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेक्स्ट ईयर बाय द डिग अब छोटे छोटे जो इंसेक्ट uh, थे वो भी अब इतने ज्यादा बढ़ गए थे अब उन्हें खाने वाला कोई नहीं था तो वो uh, बहुत ज्यादा हो गए थे वहां पर और फ्रॉग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। टाइम फॉर द क्रोकोड्स और अब यह क्रोकोडल्स के लिए बहुत भयानक टाइम आ गया था। और वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनके इतने प्यारे से जंगल को क्या हो गया था देन वन डे स्वीकी लिटल वॉइस पाइप अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग और अचानक से धीमी सी आवाज उनके वहां मीटिंग में हुई हैड बीन हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी वैसे तो कोई भी मीटिंग में नहीं बोलता था बट वहां किसी ने थोड़ी सी आवाज में बोला कि मुझे लग रहा है हमें पता है कि ये सारा जंगल इतना क्रेजी क्यों हो रहा है इतना एक कुछ क्यों हो रहा है यहाँ पे सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट देरफुलर सरप्राइज ही नर्वस ही शुक एट रेट ऑफ इज टेल एंड आज द स्मॉल क्रोकोडाइल वॉय लिटिल फेलो इट्स ऑल बिगिन विद द टॉर्ड तो सडनली सभी एकदम चुप हो गए जब मकारा ने कुछ भी बोलना स्टार्ट किया तो सभी बहुत हैरान हो गए बट और Uh, मकारा भी बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगा वो भी थोड़ा बहुत डरने लगा और उसने ही शुक रेड और तो एक रेड जो था उसकी टेल पर बैठा था उसने उसको हटाया और कहा कि वाई लिटल फेलो

Always ऑलवेज राइट अर्जेंट मेसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टोर टू आई स्नेक्स एंड लीजर्स टू कम बैक टू पॉम्बूपत्ती तो उसने क्या वो मानना नहीं चाहता था कि वो गलत है क्यों मानेगा क्योंकि उसने तो सब ये किया था बट इससे कोई परवाह नहीं थी जो क्रोकोड़ से वो अब जानते थे कि अब जो मकारा है वो ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग और पावरफुल है और ऑलवेज राइट right, और ना ही ऐसा है कि वो सभी ठीक होगा तो उन्होंने क्या किया चुपके से सभी ने एक मैसेज जो है भेज दिया वहां पर टॉय स्नेक्स और लीजर्स को कि वो सभी पापोपत्ती में वापस आ जाएं एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन डीज ग्रीएजर्स केम बैक फाइनली आफ्टर फैमिली आफ्टर फैमिली विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और स्टेगलिंग बिहाइंड शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम तो ये बहुत ग्रेट डे था क्योंकि फैमिली तो आफ्टर फैमिली होती है ना कि सभी मिल कर रहे तो सभी जाने लगे वापस अपनी फैमिली की तरफ और उनमें से कुछ जो अपने उनके पेरेंट्स से जो छोटे छोटे बच्चे थे वो तेज़ नहीं चल सकते थे तो अपने पेरेंट्स को बुलाने लगे कि हमारा वेट कर लीजिए तो इन द मंथ्स द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल और कुछ ही महीनों में इन टू मंथ्स दो ही महीनों में सभी जो पूरा जो जंगल था वो नॉर्मल हो गया द रेड्स डिसअपियर एंड द इंसेक्ट्स इन द स्मेल द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इज टू इट्स मेलियर फेमिलियर ओल्ड सेल्फ और दो ही महीने में सब कुछ नॉर्मल हो गया रेड्स जो थे डिसअपेयर हो गए जो इंसेक्ट्स वो भी खत्म हो गए स्मेल भी खत्म हो गई और पूरा वर्ल्ड यानी पूरा जो uh, फॉरेस्ट uh, था वो फिर से पहले की तरह हो गया वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन अब यहाँ पर स्टोरी हम दादाजी ने खत्म की तो अब दादाजी बोल रहे हैं कि हैव यू फॉलन ए स्लीप डिड यू डिड माय स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड क्या तो मेरी स्टोरी से तुम्हें अभी नींद आ रही है क्या तो मेरी स्टोरी तुम्हें सपनों की तरफ लेके जा रही है आई शुक आई हैड नो ग्रैंडफादर आई वाज जस्ट थिंकिंग मे बी डोंट लिसन टू मी तो मैंने मेरा सीरियल आया नहीं ग्रैंड फादर मुझे नींद नहीं आ रही ए, इवन मैं सोच रहा था कि मुझे भी अपने घर वापिस चले जाना चाहिए क्योंकि घर तो आके घर होता है ना ये स्टोरी दादाजी ने क्यों सुनाई क्योंकि प्रेम ने बोला कि मैं घर नहीं जाना चाहता बट दादाजी ने कहा कि घर तो आखिर घर होता है इसलिए दादाजी ने ये सभी ये पूरी स्टोरी सुनाई तो दाद, तो प्रेम भी चाहता था मैं अपने घर वापस चला जाऊं और ये स्टोरी सबको सुनाऊं बट क्या होगा अगर दादाजी अगर कोई मेरी स्टोरी ना सुने तो वी कैन ओनली कीप एटेट माई सन हमें तो अपना काम करना है मेरे बेटे टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल सभी को ये स्टोरी सुनाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाओ सम ऑफ समेन मे ला or you at you and say your stories are not true but they they may remember them one day and understand that each of us had a play has a place in this struggle funny word of ours तो कहते कि कुछ जो stories हैं कुछ हंसेंगे तुम पर कि stories ठीक नहीं हैं story true नहीं हैं और पर वो कभी ना कभी इस चीज को realize जरूर करेंगे कि ये जो funny word हैं जो strange word हैं ये सब हमारा है तो ये सब हमारी फैमिली है हमारा विलेज हमारी हमारे सारे जो पीपल है वो सब हम ही हैं हम एक ही हैं, तो वो कभी ना कभी तुम्हारी स्टोरी पर जरूर बिलीव करेंगे और रियलाइज करेंगे कि फैमिली आफ्टर फैमिली जो है इवन फैमिली ही होती है सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड मॉरलिस्ट मॉरल स्टोरी है ये हमारे लिए कि हमें सबको फैमिली में मिलकर रहना चाहिए ओके बाय देन हैव नाइस डे